आज हम एक एंड्रॉइड की कमाल की ट्रिक देखने वाले हैं, जिससे आप आपके कागज पे लिखा हुआ कोई भी टेक्स्ट, हाँ दोस्तों सिर्फ टेक्स्ट, आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं और उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ कागज के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि पेपर के ऊपर लिखा हुआ, आपके टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन के लिखा हुआ जो भी टेक्स्ट है, वो आप आपके मोबाइल स्क्रीन में डिजिटल रूप में ले सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। आपके खींची हुए, आपके जो है फोटोज है, आपके जो है बनाए हुए तस्वीरें है, आपके बनाए हुए स्केचेस है, उसको भी आप डिजिटल फॉर्म में आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू डू दिस। दोस्तों तो सबसे पहले जो आपको करना है यहां पर, ये जो है एक एप्लीकेशन ओपन करनी है जिसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा। पहले दिखाऊंगा कि मैं यहां पर जो है, यहां पर ये जो है कुछ फोटोज लिए थे मैंने, ये और ये फोटो के अंदर जो भी टेक्स्ट था, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है वो टेक्स्ट, यहाँ पर जो है मराठी में जो टेक्स्ट था। अदरवाइज ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है आपके लिए। अब यहाँ पर जो है एक फोटो था और जिसके ऊपर जो है ये मोरे मैम ने निकाला हुआ, उनका नाम लिखा था उन्होंने, तो वो सिर्फ जो है वो फोटो के अंदर से यहाँ पर टेक्स्ट आया है। ओके, देखेंगे कोरोना अपडेट्स। ओके, ये लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर का था और जो है यहाँ पर ये अंग्रेजी में लिखता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फाइन, जाऊंगा अब कुछ पेपर के ऊपर का भी जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पेज के ऊपर यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कोरोना वायरस। ओके, तो मैं लाइव डेमो दिखाता हूँ, तो नीचे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पर एक कैमरा का आइकॉन है और यहाँ पर गैलरी का आइकॉन है। गैलरी में से कोई भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, जो अभी आपके रिसेंट जो स्क्रीनशॉट्स है या फिर कोई भी आपके पोएम वगैरह है, तो सिर्फ आपको टेक्स्ट चाहिए तो वो भी आप जो है ले सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप पहले कैमरा वाला ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर कैमरे के ऊपर क्लिक करके जो है यहाँ पर मेरे सामने जो है मैंने एक पेपर, यहाँ पर जो है पेज, कोई भी चीज के ऊपर का टेक्स्ट हो, जैसे कि यहाँ पर रिबोक का जो है यहाँ पर पॉकेट है, तो उसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो भी हम डिजिटल फॉर्म में ले सकते हैं। अब देखेंगे हम इसको जो है ये कैसे वर्क करता है। ओके, पहले सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ CORONA, ओके कोरोना राइट, और उसको मैं मराठी में भी लिखता हूँ कोरोना, या फिर कोई नंबर वगैरह भी आप लिख सकते हैं, वो भी जो है वो आसानी से ले लेगा। ओके, तो कैमरा करना है ये आपको कि इसकी जो है फोटो खींचनी है आपको, और फिर जो है मैन्युअली इसको थोड़ा सा यहाँ पर टिक करना है, और इसके बाद थोड़ा सा क्रॉपिंग वगैरह जो आपको करनी है वो एक देखना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे बाजू में जो है कोरोना, ओके यहाँ पर लिखकर यहाँ पर आया है वो। यहाँ पर गैलरी में जो है हम ले लेंगे, आप गैलरी से जो है आपको क्या करना है, अगर ये वाली पोएम अगर आपको लेना है, ओके तो इसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के साथ जो है वो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो है पूरी पोएम यहाँ पर आई है, और इसको आप सिंपली जो है आप कॉपी कर सकते हैं इस फोटो के ऊपर का, और इसको कॉपी करके जो है आप किधर भी जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है ये कमाल का जो इफेक्ट। चलो तो दोस्तों हम फोटो के अंदर जो है, अब ये न्यूज़पेपर के ऊपर का जो फोटो है यहाँ पर, इसके अंदर सिर्फ आपको अगर टेक्स्ट लेना है तो वो भी आप आसानी से ले सकते हैं। देखेंगे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के साथ ओके जो भी यहाँ पर टेक्स्ट आता है तो वो जो है आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। ओके, ये देखिए जो मराठी में था वो भी आ गया है, और ये जो अंग्रेजी में था वो भी यहाँ पर आपको मिल गया है। ओके, इतना ही नहीं दोस्तों, आप जो है पेपर का पूरा एक पूरा आर्टिकल भी जो है ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो स्वस्थ धान्य दुकानदारों के लिए मास्क चवाटअप, इसका हमको जो है सिंपली फोटो निकालना है, और ये पूरी न्यूज जो है आपको डिजिटल फॉर्म में अगर लेना है और वो कहीं पर भी जो है आपको अपलोड करनी है या सेंड करनी है, तो इसको सिर्फ इसको टिक करें, और उसके बाद जो है जहां से आपको इसको लेना है उसको इस तरह से क्रॉप करें। ओके, और ये जो है आपके यहाँ पर टिक करने के बाद ये टेक्स्ट इसका एक्सट्रैक्ट होगा, और ये डिजिटल फॉर्म में जो है आपको पूरा का पूरा जो है देखो इस तरह से जो है आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कॉपी वाला या शेयर वाला ऑप्शन है, डिलीट वाला ऑप्शन है। ओके, तो स्क्रीनशॉट को भी हम इसके अंदर ले लेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ये फोटोज है और ये स्क्रीनशॉट है, इसको ये मराठी में लिखा हुआ है, लेकिन आप क्लिक करें सिंपली, और यहाँ पर जो है आपको सिर्फ टेक्स्ट के अंदर जो है
ये आपको मिल जाएगा। ओके तो इतना जो है। ओके दोस्तों, तो हमने ये जो ऐप देखा है उसका नाम है कॉपी टेक्स्ट रीडर। आपको सिंपली जो है जाना है प्ले स्टोर के अंदर, प्ले स्टोर के अंदर जाकर जो है आपको CTR कॉपी टेक्स्ट रीडर नाम का जो है सिर्फ आपको नाम डालना है, और इसका इंटरफेस इस तरह आपको दिखेगा। जो भी आपको आपके क्वेश्चन पेपर हो, या फिर आपका जो पेपर हो, आपका लैपटॉप का स्क्रीन हो, या कोई भी जो है आपका यहाँ पर टेक्स्ट हो टीवी के स्क्रीन के ऊपर का वगैरह, आपको डिजिटल फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्साइटिंग काम इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो आप ये इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और साथ में जाते जाते जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।